भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय संख्या 4, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने हमें दिया है, अध्याय 4 में है। इसमें कुल 42 श्लोक हैं और 42 श्लोकों में भगवान ने जो दिव्य ज्ञान दिया है, अब हम उसका आनंद लेना शुरू करेंगे। और इस पहले श्लोक में भगवान इस ज्ञान का या भगवत गीता का इतिहास बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता के इतिहास के बारे में भगवान ने चर्चा की है। तो श्लोक बोलना आरंभ भगवान ही करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत। अभी हम इसका शब्दों का अर्थ देखेंगे। इसके पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि श्री भगवान उवाच जब कहा गया है और आप लोगों ने वो श्लोक पढ़ा, भगवत गीता में भगवान ने पढ़ा, वो भगवान ने वो बात कही और यहाँ इस क्लास में आप लोगों ने वो बात कही, मतलब भगवान की वाणी आपके मुंह से निकली, भगवान का रोल आपने अदा किया। कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान ने जो बोला है वो आप लोगों ने अपनी अपनी वाणी से यहाँ सबके लिए बोलकर बताया। तो श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, इमम इस विवस्वते सूर्यदेव को, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, योगम प्रोक्तवान उपदेश दिया, अहम मैंने, अव्ययम अमर है, जो कभी व्यय नहीं होती है, खर्च नहीं होती है, अमर रहती है। विवस्वान, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है। तो सूर्यदेव ने मनवे, मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनु से, वैवस्वत मनु जो थे वो हम सब मानवों के पिता थे, प्राह ये कहा, मनु मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर भगवान इस भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं। अभी आगे जब इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये भगवत गीता कितनी पुरानी है और किस किस ने किस किस को कही है, और भगवान ने उसके लिए वर्णन हम लोगों को यहाँ प्रस्तुत किया है। तो भावार्थ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, क्या कहा उन्होंने, कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, अमर अव्ययम योग विद्या, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, जो अर्थ बताया गया योग विद्या, भगवान के साथ जोड़ने की विद्या, भगवान के साथ संपर्क की विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता, हम सब मानव जाति के जो पिता, मनु को ये उपदेश दिया। हम लोग मनु की संतान हैं और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी ये क्या है, कौन है, किस तरीके की ये व्यवस्था है, कैसे चली है, कहाँ से आरंभ हुई है, तात्पर्य में और इसके बाद व्याख्या में हमें इसका सबका ज्ञान अभी हो जाएगा। परपर्ट वाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। सूर्यदेव को जब प्रदान किया गया, जो सूर्यलोक के भी स्वामी हैं और संपूर्ण लोकों के राजा हैं, वो संपूर्ण लोक, समस्त लोकों के राजा, विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। जो भी राजा होता है किसी लोक का, वो अपने लोक की प्रजा का रक्षक होता है। अतः राजा अन्य वर्ग को, मतलब राजा लोगों को, भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने जो संदेश दिए हैं, जो गाइडेंस दिए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो उन लोगों को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें। नागरिकों पर शासन करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो भगवद गीता में दी गई विद्या को समझें, भगवद गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया उसे समझें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। जो कामना रूपी भवबंधन है, जिसका हमने पिछले कई श्लोकों में चर्चा किया है, जो हमें कुछ करने नहीं देता है और हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखता है, उस भवबंधन से, उस सांसारिक बंधन से हमें बचा सकें।
मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध। भगवान परमात्मा हैं और हम उनके अंश आत्मा हैं। ये हमारा उनके साथ शाश्वत इटर्नल कंटिन्यूटी वाला कंटिन्यूएशन में संबंध है उनके साथ। और इसके ज्ञान का विकास होना ही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान जब हमें हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान में आ गए। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। ये भगवद गीता का पाठ शासनाध्यक्षों को ये चाहिए। सभी स्टेट्स के जो उनके जो राजा लोग हैं, उनके जो मंत्री लोग हैं, उन लोगों को क्या चाहिए कि वो तीन माध्यमों से, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा और भक्ति के द्वारा, शिक्षा मतलब एजुकेशन के द्वारा, संस्कृति मतलब कल्चर के द्वारा और भक्ति के द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। कौन सा पाठ पढ़ाएं? भगवद गीता का पाठ पढ़ाएं। उनकी संस्कृति में इसको घोल दें, उनकी शिक्षा में इसको घोल दें, उनकी लाइफ में भक्ति इतनी पैदा कर दें कि वो इसका ज्ञान ले सकें। तो ये भक्ति का, शिक्षा का और संस्कृति का किसका कर्तव्य हो गया? ये समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों का। इसीलिए अगर आप कहें कि सूर्य को भगवान ने क्यों कहा, ये क्योंकि सूर्य समस्त लोगों के नायक हैं, संपूर्ण लोगों के राजा हैं, इसलिए भगवान ने पहले सूर्य को ये कहा। ये जो ज्ञान जो दिया, ये सूर्य को दिया। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये कृष्ण की कही हुई वाणी है, कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है, तो ये कृष्ण भावनामृत की विद्या का प्रचार है। भगवान यहां पर अपनी ही विद्या का प्रचार करने के लिए कहते हैं कि वो सभी शासनाध्यक्ष, सभी राजा लोग अपने अपने राज्य की प्रजा को इस ज्ञान का लाभ दें। और कैसे दें? शिक्षा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। महाविद्या, ये विद्या सामान्य विद्या नहीं है, कोई नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये नॉर्मल नॉलेज नहीं है, ये महाविद्या है जो कि भगवान से हमें मिली है, और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें। जो हमें ये मानव जीवन मिला है, जो हमें मानव देह मिली है, इसका लाभ हम उठाएं, क्योंकि मानव जीवन में ही हमको बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया गया है, तो हम इस सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें, इसका अनुपालन कर सकें। इस मन्वंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। सूर्यदेव का नाम विवस्वान है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का, समस्त लोकों का उद्गम है। सारे लोक वहीं से पैदा होते हैं। ब्रह्म संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है, ब्रह्मा जी ने खुद इस बात का उल्लेख किया है। वो कहते हैं, आप लोगों ने अगर ब्रह्म संहिता पढ़ी होगी तो आपको ये 52 नंबर का ये जो अनुच्छेद है, आपको स्टेंजा है, आपको पता होगा, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। आदिपुरुष गोविंद के लिए मैं नमन करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदिपुरुष हैं। वो तो दिव्य स्वरूप था उनका, लेकिन वो आदि पुरुष हैं, उनसे पहले कोई नहीं था, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। जो सूर्य की ऊष्मा है ना, सूर्य की जो गर्मी है और सूर्य में जो एनर्जी है, जिससे हम सोलर एनर्जी से बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, घर में एसी जलाते हैं, वो सब कहाँ से आती है? वो जिनके आदेश से सूर्य ग्रहण करता है, वो कौन है? भगवान श्री गोविंद हैं। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं। ये जो सूर्य और चंद्र हैं, नहीं, भगवान के नेत्र हैं, और ये उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। तो सूर्य और चंद्र जो अपनी यात्रा करते रहते हैं, ये उनकी आज्ञा के अनुसार, किसकी आज्ञा के अनुसार? श्री भगवान गोविंद की आज्ञा के अनुसार अपने ऑर्बिट में ट्रांसवर्स करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो भगवान की आज्ञा है उनके लिए, भगवान का आदेश है उनके लिए कि आप ये काम करो। इसीलिए अनवरत करोड़ों वर्षों से, कितने युगों से सूर्य बराबर समय पर निकलते हैं, चंद्र बराबर समय पर निकलते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, और उनके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं वो कार्य वो करते हैं। भगवान ने उनके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, तो ब्रह्मा जी भी वहाँ पर भगवान की पूजा कर रहे हैं।
और कह रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। सूर्य सभी लोगों का राजा है, हमने पहले ही सेंटेंस में पढ़ा था सभी लोगों के राजा हैं कौन, सूर्य हैं। तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं। सूर्यदेव का शासन कहाँ पर है, सूर्य ग्रह पर, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। अगर सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा ना आए तो वो समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे। तो सभी लोगों के लिए अपनी ऊष्मा, अपनी गर्मी, अपनी हीट और अपना प्रकाश प्रदान करके उनको अपने नियंत्रण में रखता है और उनको जीवित रखता है। कौन, विवस्वान सूर्यदेव। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। भगवान के पहला शिष्य कौन है, सूर्यदेव हैं, विवस्वान हैं, जिनको कि ये भगवद गीता उन्होंने सुनाई। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य, स्पेक्युलेटिव ट्रीटीज नहीं है। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है कि किसी ने कल्पना से बना ली। ये बहुत ही प्रामाणिक ज्ञान है जो भगवान ने खुद दिया है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज है। इससे जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान स्टैंडर्ड का है, भगवान ने दिया है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, जो अनंत काल से चला आ रहा है, टाइम इमोरियल से, बहुत समय से चला आ रहा है। हमने देखा, अभी हम अगले पैराग्राफ में भी देखेंगे कि ये कितने सालों से ये ज्ञान चला आ रहा है। तो ये भगवान ने ज्ञान दिया है, तो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। आप लोग इस ज्ञान का अध्ययन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, अपनी वाणी से निकाल रहे हो, अपनी जिह्वा पर वो नाम ले रहे हो, आप लोग कितने धनी हो, कितने धन्यवाद के पात्र हो कि आप लोगों के कानों में, आप लोगों की जिह्वा पर वो भगवान के शब्द निकल रहे हैं। महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है, हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। महाभारत में भी गीता के बारे में कहा गया है, त्रेता युगादौ च ततौ विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्य लोक भ्रत्यर्थं सुता इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्यापे लोकान् अवस्थितः। इसका अर्थ है कि त्रेता युग के आदि में, त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। भगवान ने विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे और इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे। इस पृथ्वी लोक के शासक कौन थे, इक्ष्वाकु थे, और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। आप देखिए ये संबंध कितना नज़दीक का बन गया। ये भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, कौन, इक्ष्वाकु और विवस्वान और मनु, ये सब भगवान राम के पूर्वज हैं और उनके अंश हम हैं, क्योंकि मनु के पुत्र हम लोग हैं। तो राम के बाद के जो अवतार हैं वो सबसे निकलते हुए हम लोग आ गए। तो हमारा ये जो मानव का इतिहास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है और इसके प्रमाण हैं, ग्रंथों में प्रमाण हैं, शास्त्रों में प्रमाण हैं इससे। और इससे क्या प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी, जो लाखों वर्ष पहले की बात है। तो भगवद गीता कोई आज की नहीं है, लेकिन आप सुनते होंगे कि भगवद गीता भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को कही, तो ये तो 5000 साल पहले की बात है। अभी आप कह रहे हैं कि लाखों साल पहले की बात है, तो इसका स्पष्टीकरण आगे के भाग में आपको मिलेगा कि ये किस तरह से 5000 साल की बात आई। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, कलियुग के सिर्फ 5000 वर्ष निकले हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 432,000 वर्ष है। कलियुग की आयु पता है 432,000 वर्ष, उसमें से सिर्फ अभी 5000 वर्ष निकले हैं। इसके पूर्व द्वापर युग लगभग 8000 वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग लगभग 12 लाख वर्ष का था। तो 12 लाख वर्ष और 8 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष तो यही हो गए, और 5000 वर्ष हम बिता चुके अभी कलियुग के। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। आपको समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन, 8 लाख वर्ष द्वापर युग के हो गए और 12 लाख वर्ष त्रेता युग के हो गए और 5000 वर्ष कलयुग में हो गए। तो कुल मिला के ये 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने ये भगवद गीता कही थी। किसके लिए कही थी, हम लोगों के लिए कही थी कि आज हम इसको बैठकर पढ़ें। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है।
जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं, अभी लगभग 18 करोड़ 49 लाख वर्ष बाकी हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, भगवान के शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को उन्होंने गीता सुनाई, तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई, जब सूर्य भगवान को बताई थी उन्होंने, तब से अगर लगाएंगे हम तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये गीता कही गई थी। मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही, मानव समाज में कब से, जब से कि हमने द्वापर युग और त्रेता युग का इतिहास देखा अभी ऊपर के पैराग्राफ में। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। अब आपका वो डाउट क्लियर हो चुका होगा कि ये 5000 वर्ष क्यों कहते हैं, तो गीता के अनुसार तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये गीता के इतिहास का एक मोटा मोटा अनुमान है, एक रफ आइडिया है। इसे आप समझ सकते हैं कि गीता का जो ज्ञान हमें दिया गया वो कितने करोड़ों वर्ष पहले का था। तो सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी जितने भी क्षत्रिय हैं उनके जनक कौन है, सूर्यदेव, सूर्यदेव विवस्वान। चूंकि भगवद गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने ही कहा है, श्री भगवान ने ही कहा है, किसी और ने नहीं कहा है, इसलिए ये ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब सुपर ह्यूमन है, ह्यूमन हम लोग इतने मानवीय नहीं है, हम लोग कुछ पढ़ लिख लेते हैं, कुछ एमए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं या एमएस कर लेते हैं, तो जो ज्ञान हम देते हैं वो मानवीय ज्ञान है, मानव से मिला हुआ ज्ञान है और मानव को ही दिया गया ज्ञान है। लेकिन ये सुपर ह्यूमन ज्ञान है, अपौरुषेय है, इसमें पौरुष का कोई मतलब ही नहीं है, पुरुष का कोई मतलब ही नहीं है, भगवान का तो दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। तो भगवान का दिया हुआ ये ज्ञान जो है ये सुपर ह्यूमन अपौरुषीय ज्ञान है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, इसीलिए गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि भगवद गीता की बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ अवेलेबल हैं, 100 से ज़्यादा ग्रंथ गीता की विवेचनाएँ उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर, लेकिन वो सबकी अपनी अपनी मनगढ़ंत विवेचनाएँ हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ हमने श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में वही कहा है जो भगवान ने हमें बताया है, हमने अपनी तरफ से कुछ उसमें मिलावट नहीं की है, इसीलिए वो इसका नाम रखते हैं यथा रूप एज इट इज़। तो भगवान की हुई वाणी की ही विवेचना यहाँ पर की गई है, उसका ही वर्णन किया गया है और कुछ नहीं, कोई टीका टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं की गई है। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो सो कॉल्ड विद्वान हैं वो अपनी तरह से गीता का चिंतन कर सकते हैं, करें, लेकिन वो यथारूप भगवद्गीता नहीं है। ये यथारूप भगवद्गीता है जिसका अध्ययन हम आप लोग के साथ के यहाँ बैठकर कर रहे हैं, हम सब लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो यथारूप भगवद्गीता है, भगवद्गीता एज इट इज़। अतः भगवद्गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। जब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे अगले सप्ताह में तो हमें पता लगेगा कि ये गुरु परंपरा कहाँ से चली आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुई है और श्रील प्रभुपाद पर आकर उसको हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर ये वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से इस ज्ञान को कहा और इक्ष्वाकु के बाद ये हमारे पास नीचे तक चलती चली आई है। तो ये भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका इतिहास उतना ही ज़्यादा अमर है, क्योंकि ये ग्रंथ अमर है तो उसका इतिहास भी अमर है। आप समझ सकते हैं कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान को ले रहे हैं, इस ज्ञान को पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। अभी हम ये देखेंगे कि ये जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग है जिसे कि हम एक तरीके से स्वर्ण युग कह सकते हैं। उस युग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष तक, औसत आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और उस युग में भगवान विष्णु की अर्चना की जाती थी। त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग में मानव की जो जीव है उस युग के, उनकी औसत आयु घटकर 10,000 वर्ष हो गई और इसी युग में
वर्ण आश्रम प्रथा का आरंभ हुआ और इसमें ज़्यादातर यज्ञ किए जाते थे, सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। सैक्रिफाइसेस के माध्यम से पूजा अर्चना की जाती थी और भगवान राम इसी युग में प्रकट हुए। तो पहले विष्णु, फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग आया। फिर द्वापर युग में जो औसत आयु थी व्यक्ति की वो घटकर और भी कम हो गई। कितनी हो गई? देखिए, 1,00,000 से 10,000 हुई और 10,000 से 1,000 हो गई। त्रेता युग में 1,000 वर्ष आयु हो गई। और जो भक्ति का स्तर था सतयुग में अगर 100% था तो वो त्रेता युग में 75% रह गया और द्वापर युग में वो 50% रह गया। तो सब चीज़ घटती जा रही है, आयु भी घटती जा रही है, भक्ति का स्तर भी घटता जा रहा है। और द्वापर युग में किसने जन्म लिया, किसका अवतार हुआ? भगवान श्री कृष्ण का, द्वापर युग के अंत में और कलयुग के आरंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं ये जो स्थिति है इसके बाद क्या आया? कलयुग। कलयुग को अभी हमने देखिए, सतयुग को कहा स्वर्ण युग, जो त्रेता युग है उसको कहा हमने रजत युग, द्वापर युग है उसको कहा हमने ताम्र युग, कॉपर युग, कॉपर एज। और कलयुग क्या है? अभी जो महत्वपूर्ण धातुएं थी वो तो चली गई, अभी क्या रह गया? लोहा, लौह युग, स्टील युग, आयरन एज है। इसमें लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। और इसकी आयु कितनी है? इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 वर्ष निकले हैं। तो ये बाकी के वर्ष अभी हमें निकालने हैं इस कलयुग में। और ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा अनुमान दिया गया है कि इस कलयुग में मानव की औसत आयु है वो सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी, जबकि शास्त्रों के अनुसार इस युग में आयु 100 वर्ष तक होनी चाहिए। अभी आपके आप आजकल के पिछले अगर 2 वर्ष का भी औसत निकालेंगे तो औसत आयु और भी कम हो गई, क्योंकि कोरोना नामक महामारी ने बहुत सारे लोगों को काल के गाल में समा लिया। तो जो 100 वर्ष की आयु है वो 20 वर्ष की जब रह जाएगी तब कलयुग समाप्त होगा। तो ये, और इसमें जो भक्ति का स्तर है सिर्फ 25% रह गया। अभी 25% भक्ति के स्तर में हम लोग बैठे हुए हैं और भगवद गीता में भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो ये कितनी महत्व की बात है, कितने सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला है। तो भगवान ने ये जो हमें अवसर दिया है भगवद गीता के माध्यम से और इस दिव्य ज्ञान को हमें दे रहे हैं, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को दे रहे हैं, हमें इसे हर हालत में ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।